यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में परीक्षा केंद्रों पर कोरोना की रोकथाम व सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। एक परीक्षा केंद्र पर दो पालियों में कम से कम 150 और अधिकतम 800 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हर परीक्षार्थी को एक कक्ष में 36 वर्गशीट की जगह देनी होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के बुधवार को ऑनलाइन परीक्षा केंद्र निर्धारण की गाइडलाइन जारी की। विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला के अनुसार केंद्र निर्धारण के लिए हर जिले में DM की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी। राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनेगी। केंद्र निर्धारण में राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय को प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर 9 फरवरी को परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची अपलोड की जाएगी। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।